السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله العلي العظيم والصلاه والسلام على رسوله النبي الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل للمؤمنين يغزوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم रब श शाहली सदरी वसरीली अमरी वख्लुदतमसानी अफ्ह कौली औरबनी मज्जा मोहतरम सामने कराम दीनी और इस्लामी भाइयों आज के दरस में इन श्रा एक अहम मौजू पर चंद बातें पेश की जाएंगी और वह मौजू है मुस्लिम नौजवानों की डिप्रेशन और बेसकूनी के तीन अहम इसबाब हमारे समाज में मुसलमान जो भी हैं अक्सर बेसकून हैं ख़ास तौर से हमारे मुस्लिम नौजवानों की जो हालत है वो बयान के काबिल नहीं है मुस्लिम नौजवान डिप्रेशन के शिकार क्यों हैं बेसुकूनी उनकी ज़िंदगी में क्यों है? तीन बातें मैं मुख्तसर वक्त में इंशाल्लाह आपके सामने पेश करूंगा। हमारे मुस्लिम नौजवानों की बेसुकूनी और उनकी डिप्रेशन का सबसे पहला सबब अकीद तोहद की कमज़ोरी और पंजवकता नमाज़ों से दूरी है मैंने नमाज के साथ अकीदे को इसलिए जोड़ा है जब तक किसी बंदे का अकीदे तो ही दुरुस्त ना हो उसकी नमाजों से भी उसको सुकून नहीं मिल सकता क्योंकि असल सुकून ईमान से मिलता है आलमीन ने इरशाद फरमाया, इर्शाद फरमायालन ईमान जो लोग ईमान लाए और जिन्होंने अपने ईमान में श्रिक की आमेजिश नहीं की ऐसे लोगों के लिए ही अमन है और वही लोग हिदायत हैं। अमन से मुराद कयामत के दिन अल्लाह ताला ऐसे मोमिनों को जहन्नम के अज़ाब से नजात फरमाएगा दुनिया में भी ईमान से दिल का चैन और सुकून और करार मिलता है वो इस तरह कि एक मोमिन शख्स जो अल्लाह पर ईमान रखता है उसका यह अदा हो जाता है कि हम मुकम्मल तौर से अल्लाह की हिफाजत में आ गए जो कायनात की सबसे बड़ी ताकत है अल्लाह की सिक्योरिटी में आ गए जब तक अल्लाह ना चाहे मेरा कोई बालबिका नहीं कर सकता मुझे कोई तकलीफ नहीं पहुंचा सकता रब्बुलमी का फरमान है वही बे फलाशी फल्ला अरे हमारे पैगंबर अगर आपको कोई तकलीफ पहुंच जाए तो उस तकलीफ़ को अल्लाह के सिवा कोई नहीं हटा सकता वहीं यूरिद का भी खैर इनफला दली फगली और अगर अल्लाह आप पर अपनी कोई नमत नाजिल करना चाहे आपको अपना कोई फजल देना चाहे तो सारी कायन के लोग मिलकर उसको छीन नहीं सकते और नमाज के बारे में खसूसी तौर से कुरान मजीद में रब्बालमीन का फरमान है अलाकलूब आगा हो जाओल्ला के ज़िक्र से दिलों को इतमिनान मिलता है मोहम्मद रसोल्ला वसम ने फरमाया जो जोरतिनी फिसलाह मेरी आंखों की ठंडक नमाज में रखी गई तो यह पहला सबब अकीद तोहिद की कमजोरी और पंच वक्ता नमाजों से दूरी है मुस्लिम नौजवानों की डिप्रेशन का सबसे पहला सबब है दूसरा सबब बदनिगाही और इश्कबाजी क्योंकि इंसान की निगाह जब बुरी हो जाती है वह बदनिगाही का इरतक करता है तो उसका दिल गंदा हो जाता है और जब दिल गंदा हो जाता है तो अल्लाह ताला उसके दिल के सुकून को गारत कर देता है दिल का सुकून और चैन खत्म हो जाता है इसलिए दिल का सुकून हासिल करने का जो सबसे पहला जीना है वो निगाहों की हिफाजत है और अजनबिया और गैर मुहरिम औरतों से नाजायज ताल्लुक बनाने से अपने आप को बचाना है चाहे वह खाला जहने हों चाहे फूफीजात बहने हों चाहे मामोजात बहने हों चाहे चचा बहने बहनें हों चाहे सालियाँ हों चाहे भाभियाँ हों ये सारे के सारे रिश्तेदार जो हैं अगर हम गैर शरी तल्लु इनसे कायम करेंगे तो फितने हमारे दिल के अंदर पैदा होंगे और इश्क का फितना अगर जिस दिल के अंदर लग जाए उसके दिल को कोई सुकून नहीं दे सकता गैर महरम लड़कियों से दिल लगाना छोड़ दो गैर महरम लड़कियों से दिल लगाना छोड़ दो इश्क की लज्जत में तन मन धन लुटाना छोड़ दो और तीसरा सबब है निकाह में ताखिर मुस्लिम नौजवानों के डिप्रेशन का तीसरा सबब शादी ब्याह में ताखिर करना निकाह में ताखिर करना इसके दो बुनियादी असबाब हैं पहला सबब है ज्यादा मालदार रिश्ते को तरजीह देना ज्यादा जहेज वाले रिश्ते को तरजीह देना दूसरा सबब है ज्यादा हुसनो जमाल वाले रिश्ते को तरजीह देना यह दो चीजें समाज में बहुत बड़ी रुकावट है जिनकी वजह से शादियां जल्दी नहीं हो रही हैं अगर किसी आदमी के अंदर इस बात का जुनून सवार है उसके दिल के अंदर कि वो मालदार से मालदार रिश्ते से अपने बेटे का निकाह करेगा ताकि ज्यादा से ज्यादा जहेज मिले तो मामला ऐसा हो जाता है कि एक रिश्ता देख रहा होता है मालदार रिश्ता वहां जहेज मिलने की उम्मीद होती है उससे बड़ा कोई ऑफर देता है वो दूसरे पे पलट जाता है फिर तीसरा ऑफर आता है तीसरे पे पलट जाता है चौथा ऑफर मिलता है चौथे पे चला जाता है ऐसे कई कई साल गुजर जाते हैं रिश्ता मुंतखब नहीं होता रिश्ता तय नहीं होता और लड़कियों का जो फोटोज प्रोफाइल पे फोटो प्रोफाइल आती रहती हैं है। एक लड़की को देखा उससे खूबसूरत लड़की आई उधर चले गए उसके बाद कोई उससे खूबसूरत आई उधर चले गए इस तरह कई कई साल गुजर जाते हैं और निकाह में तखिर जब होती है तो अगर कोई नौजवान लड़का या लड़की शादी की उम्र को पहुंच गए हैं वो दोनों और उसके बावजूद बिला किसी उजरे शरी के ताखीर की जा रही है तो उन लोगों को फितने में पड़ने से कोई नहीं बचा सकता शादी की उम्र हो गई और बेजा ताखिर होगी तो उनके दिलों को सुकून नहीं मिल सकता क्योंकि नमाज और अल्लाह के जिक्र के बाद अगर किसी चीज में सुकून है तो या तो नेक बीवी में सुकून है या तो नेक शौहर में सुकून है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वजात के साथ कुरान मजीद में निकाह के मसाइल को बयान किया और निकाह की अहमियत को बयान किया और मकसद को बयान किया इलेहा। निकाह के जो मकासिद हैं उन मकासिद में से एक अहम मकसद मियाँ बीवी का एक दूसरे से सुकून हासिल करना है और वसल्लम की हदीस बयान करके मैं अपनी बात खत्म करता हूँ तिर्मिज़ी की रवायत है नबी वसल्लम ने फरमायादी तक फितना तुन फिलसाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम्हारे पास कोई ऐसा अच्छा और नेक रिश्ता आ जाए जिसके दीन और अखलाक से तुम राजी हो तो वहां अपने बच्चे का या बच्ची का निकाह कर दो अगर ऐसा तुमने नहीं किया तो इस ज़मीन में फितना पैदा होगा और बहुत बड़ा फसाद पैदा होगा इसलिए हमें और आपको चाहिए कि निकाह के मामले में ख़ास तौर से दीनदारी को तरजीह दें हुस्न व जमाल को भी देखना जायज है कोई हर्ज की बात नहीं लेकिन पहले नंबर पे दीनदारी होनी चाहिए देख कर तकवा करो तुम बिन हवा से निकाह देख कर तकवा करो तुम बिन हवा से निकाह माल जर की चाह में जुल्म ढाना छोड़ दो ये तीन बुनियादी सबाब मैंने आपके सामने जिक्र किए नौजवानों की बेसकूनी के पहला सबब नमाजे पन जगाने से दूरी अकीदे तोहेद की कमजोरी और नमाजों से दूरी दूसरा सबब बदनिगाही और तीसरा सबब निकाह में तखीर करना बेजा ताखिर करने से भी सुकून जिंदगी का ख़त्म हो जाता है अल्लाह से दुआ है क्रबीन हम के दिलों को पाकिजगी और सुकूनता फरमा और ईमान के साथ मोत नसी फरमा आमीन वनबी करीमक वरम् व ऐसे ही फ़ायदेमंद इस्लामिक वीडियोस देखने और मनहज सलफ़ पर किताब सन्नत की तलीमत को आम करने में हमारा ताउन करे ताकि आपके लिए जरिया नजात जन्नत के हसूल का सबब साथ ही माल में बरकत व इजाफे का जरिया भी बने आमीन جزاك الله خيرا